तो लास्ट क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने कुछ चीजें आयनिक बॉन्ड के बारे में देखी थी, फिर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में देखा, उसके बाद हम लोग आ गए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के ऊपर कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सब चीजें हम लोग वहां पर कवर अप कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो डिफरेंस लिखेंगे कि भाई मेरे पास इन दोनों बॉन्ड्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो लिखेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है, उसको कवर अप करेंगे पूरा का पूरा। तो आप पहले लिखना शुरू करो। पहले तो हम लोगों ने कल तीनों बॉन्ड्स के देख लिया था कि कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है और किस तरीके से बनता है। उस आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग, दोनों के डिफरेंस है आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, एक साइड लिखना आप आयोनिक बॉन्ड, और दूसरी तरफ लिखो आप कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। चलो अब मुझे पता है कि भाई मेरे पास आयनिक बॉन्ड जो है वो किसे बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, जो कि एक दूसरे को ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब जितना एटम्स पास में आएगा, ठीक है, हमें पता है कि सॉलिड के अंदर क्या होता है, एटम्स एक दूसरे के बहुत पास में होते हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं, गैस में बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसी वजह से कैटायन और एनायन बहुत पास में प्रेजेंट होते हैं। अब जब आपके एटम्स एक दूसरे के पास में आके प्रेजेंट होते हैं तो जनरली कैसा होता है, आपके पास सॉलिड स्टेट में होता है। जितने भी पॉइंट लिखूंगा वो जनरली है, मतलब लगभग ऐसा होता है, एक दो एक्सेप्शन हर केस में आ जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहली चीज यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, पहली चीज, ठीक है, इस साइड आप लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट इज फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड, मेरे कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो जनरली आपके पास लिक्विड एंड गैसेस के अंदर होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट एक आई टू जो है, ठीक है ना, वो कैसा होता है, सॉलिड। आयोडीन मेरे को पता है मेरे पास कैसी होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। तो लिख सकते हैं आप जनरली लिक्विड या फिर गैसीय स्टेट में होते हैं ये, एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन की बात करें तो जो मेरी आई टू होती है वो कैसी होती है, सॉलिड होती है, ठीक है, I2 मेरे पास कैसी होती है, सॉलिड होती है। अब हम सेकेंड पॉइंट पे पढ़ते हैं। अब ये जो मेरे पास सॉलिड है तो सॉलिड कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है ना, तो ये कैसे होते हैं, लगभग जो मेरे आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उनसे जो भी मॉलिक्यूल बनता है वो हार्ड एंड ब्रिटिल होता है। ब्रिटिल इन द सेंस, जैसे अपने पास कांच होता है, ठीक है ना, ग्लास होता है, ग्लास कैसा होता है, वैसे तो हार्ड है बट वो नीचे गिरते कैसा हो जाता है, टूट जाता है, तो उस तरह के कैसे होता है ये, ठीक है, हार्ड भी होता है एंड ब्रिटल। वी विल टॉक अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड्स जो कि मेरे पास सॉफ्ट होता है एंड वैक्सी, सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, मतलब एटम्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास में प्रेजेंट है उनके अंदर। अब वो पास में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि उन दोनों के बीच में हाई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है ना, तो दोनों एटम्स के बीच में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है, इसी वजह से तो वो सॉलिड है, इसी वजह से वो हार्ड है, और इसी वजह से उसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि दोनों, अगर ये एटम ए है, ये एटम बी है, इन दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं,
तो उनको दूर भेजना उतना ही मुश्किल होता है. इसी वजह से थर्ड पॉइंट इज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. बात करें यहां पर तो इनका जनरली आयनिक बॉन्ड से कम होता है, जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. बात करें एक्सेप्शन की तो आपको पता है जो मेरे पास डायमंड है, ठीक है ना, डायमंड वैसे तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो सॉफ्ट की जगह भी यहाँ पर मेरा एग्जांपल आप लिख सकते हो एक्सेप्शन में डायमंड. डायमंड बहुत हार्ड होता है, ठीक है, और डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा होता है. एक्सेप्शन पे आप लिख सकते हो डायमंड या फिर हम लोग बात करें ग्रेफाइट, इनका मेरे पास हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है. आयनिक बॉन्ड में हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था ये मेरा आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाता और मेरा कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है ड्यू टू अ रेगुलर ज्योमेट्री वो मेरे पास आइसोमेरिज्म शो करता है. डू नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म और यहां पर हम लोग बात करेंगे मे शो स्पेस आइसोमेरिज्म. ठीक है, अब एक नोट बना के बात लिखने की जरूरत है, वो क्या कि अगर यहां पर मेरे समझो ये एटम ए है और ये एटम बी है, इन दोनों के बीच में मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि अगर आयनिक है तो ये कैटायन होगा ये एनायन होगा. अगर मैं कोवेलेंट की बात करूं तो ये ए है ये बी है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शेयर हो रही होगी. वैसे देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड, ठीक है ना. अगर हम सिर्फ इनकी बॉन्ड की बात करें तो जो मेरा कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किससे, आयनिक बॉन्ड से. बट आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं. अब लेटिस क्या है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से समझा दिया था कि लेटिस क्या होता है. तो लेटिस के फॉर्मेशन की वजह से इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वहां पर ये कैटायन मेरे पास कुछ सर्टेन नंबर ऑफ एनायन से अट्रैक्टेड होगा. उसी तरीके से ये एनायन मेरे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कैटायन से क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा. तो वो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल की बनती है वो मेरे पास कोवेलेंट से ज्यादा होती है. तो यहां पर आप लिख सकते हैं अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड is more stronger than a single ionic bond, but ionic compound have higher melting point and boiling point due to formation of lattice. फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, लैटिस के बनने की वजह से ये इस तरह का होता है, ठीक है. ये बात अब हम लोगों ने देख ली. तो देखो भाई, चाहे मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड हो
या मेरे पास आपका आयोनिक बॉन्ड हो। दोनों में हो क्या रहा है, दोनों में अगर एक एटम ए है दूसरा बी है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है ताकि वो एक दूसरे को अपने पास बांधे रखते हैं, ठीक है। और उससे मैं देख रहा हूँ कि जब वो एक एटम से कंपाउंड बनता है या मॉलिक्यूल बनता है तो उसकी स्टेबिलिटी इससे क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो देखो यहाँ पर एक हम लोग छोटा सा कंपैरिजन करेंगे और इससे हमने को फ्यूचर के अंदर बहुत सारा फायदा होने वाला है। वो क्या, अगर मैं बात करूं एक एलिमेंट ए है और ये कनेक्टेड है किसे, दूसरे एलिमेंट बी से, ठीक है। तो दो चीजें हो सकती हैं, पहली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दूसरा मेरे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना भाई मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहली बात, जब एटम ए और एटम बी एक दूसरे के पास आएंगे, मतलब उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। क्यों, ध्यान से सुनना, जब मेरा एटम ए है और उससे बहुत दूर बी प्रेजेंट है, जब वो एक दूसरे के पास आ रहे होंगे तो कंबाइन करना चाहते हैं। इंडिविजुअल एटम मेरा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपको पता है एटम मेरे इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते, बट जब वो कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एटम्स के, ठीक है। अब आपके पास क्या है, एक इंसान है जो बहुत ही ज्यादा थका हुआ है, उसके एनर्जी लेवल बहुत कम है, तो वो क्या होगा, आप उसको जहां छोड़ोगे ना आपको वो वहीं मिलेगा, आपने उसको जहां बैठा दिया वो वहीं रहेगा, वहां से हिलेगा नहीं, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। तो जिसकी एनर्जी लेवल बहुत कम होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। दूसरा एक इंसान है भाई, फुल ऑफ एनर्जी है, इसके अंदर पूरी एनर्जी भरी हुई है, ठीक है। तो अगर आप उसको बोलोगे भाई यहाँ पर बैठ जाए तो चुपचाप बैठेगा नहीं, वो इधर उधर फुदकता रहेगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी अब एकदम कम हो चुकी है, वो एक जगह नहीं बैठ सकता, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी, ठीक है। तो अब जब मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो मेरे को पता है भाई मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे, पास में आएंगे एटम्स तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। अब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो क्या होने वाला है, मेरे पास स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी मेरे पास, कम होगी, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम की जो पहले से एनर्जी होती है वो रिलीज होने लग गई है, अब इन मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी वो अब रिलीज होने स्टार्ट कर देती है। तो देखो भाई अगर यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है तो ओवरऑल इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं लिख देता हूं एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, क्योंकि एनर्जी अब रिलीज हो रही है, और जब एनर्जी रिलीज होती है चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो या कोई प्रोसेस हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, क्या बोलते हैं उसको, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम कम हो जाएगी और मेरे पास वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। दूसरी बात, जब फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ए एटम बी को रिपेल कर रहा है, दूर भेज रहा है, भाई दूर भेज रहा है तो उससे क्या होगा, यहां पर मेरे पास स्टेबिलिटी कम हो रही है, सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, मेरे पास कम हो रही है, ठीक है। अब इसको दूर भेजने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज दे गेन द एनर्जी, ठीक है। यहां तो रिलीज होती थी, यहां पर क्या होती है, एनर्जी मेरे पास ये लोग गेन करते हैं, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलते ही इनके पास सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। आप खुद सोचो, आप इसे एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी जैसे इनको मिलेगी तो इनकी स्टेबिलिटी एकदम खत्म हो जाएगी, इधर भागना शुरू करेंगे, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है। और ये दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक,
क्योंकि एनर्जी अब यहाँ रिलीज नहीं हो रही, यहाँ पर एनर्जी मुझको देनी पड़ रही है, देने की वजह से यहाँ पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी और वो मेरे पास एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, यहां तक मेरी बात क्लियर होगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखो, अब जो केमिकल हमको पता है कि भाई केमिकल बॉन्ड लगाने के लिए वहां पर कुछ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है ना, एक एटम दूसरे एटम को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, बट सब लोग सेम एनर्जी से तो अट्रैक्ट नहीं करते, किसी के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या, मेरे को इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, देखो भाई मैं आपको बता दूं, जब भी ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने में कितनी एनर्जी चाहिए होती है ये किसी को नहीं पता होता, सबको पता होता बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वही हम लोगों को पता होता। ठीक है, तो जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दूंगा, तो कब इस बॉन्ड को मैं वीक बॉन्ड बोलूं, कब मैं इस बॉन्ड को क्या बोलूं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलूं, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लो बॉन्ड एनर्जी इज कैलकुलेटेड इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब आपको बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी वो पता कैसे चलेगा, बॉन्ड को तोड़ के जो एनर्जी मेरी रिलीज होगी या फिर उसको चाहिए होगी तोड़ने के लिए, वो मेरे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या किया यहाँ पर, क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, लिखिए आप केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एक बॉन्ड को मैंने बोला भाई तू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, एक बॉन्ड को क्या बोला हम लोगों ने, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक को बोला हम लोगों ने वीक बॉन्ड। तो देखते हैं हम लोगों ने कहां पर बोला उनको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की जो बात की गई, ठीक, और एक मेरे पास था वीक फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करें या हम बॉन्ड की बात करें, एक ही बात है। तो देखो भाई, जब मेरा ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाए और इस बॉन्ड को जो मैं तोड़ने के लिए एनर्जी दूं, ठीक है, या फिर ये जब बॉन्ड टूटे या इसको बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 42 किलो जूल से ज्यादा हो तब तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, और 42 किलो जूल से कम हो तब तो मेरे पास क्या होता है, वो वीक फोर्सेस के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं रिलीज एनर्जी मेरे पास ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल हो तब तो वो मेरे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, और जनरली ये मेरे पास कब होता है, बिटवीन इंटर एटॉमिक फोर्सेस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। इसका क्या मतलब है अभी बताता हूं, वीक फोर्सेस जो है मेरे पास कब, जब रिलीज एनर्जी आपके पास लेस देन और इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल हो तब। ठीक है, और ये मेरे पास एग्जिस्ट करता है बिटवीन इंट्रा
मोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम्स। देखो भाई स्ट्रॉन्ग फोर्स कब बन रहा होता है, अगर मैं बोलूं मुझे पता है क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करती है Cl2 के फॉर्म, तो क्लोरीन जब मेरे पास क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा बिटवीन बॉन्डेड एटम्स के बीच में, ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस है, एक एटम मेरे पास दूसरे एटम से जब बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है। और यहाँ पर है क्या, इंट्रा मोलिकुलर है, इंट्रा मोलिकुलर इन द सेंस एक क्लोरीन मोलिक्यूल दूसरे क्लोरीन मोलिक्यूल से कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर क्या है मेरे पास मोलिक्यूल आ गया, ठीक है, तो ये जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये मेरे पास कैसा होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये कैसा होता है मेरे पास वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर तो मेरे पास इंटर एटॉमिक है, एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन कर रहा है, बट यहाँ पर क्या इंट्रा मोलिक्यूल है, एक मोलिक्यूल Cl2 गैस दूसरे Cl2 गैस के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स रखती है वहां पर इसकी बात आती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कौन कौन से बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्ग के अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं और कौन कौन से बॉन्ड है वो मेरे पास वीक के अंदर कैलकुलेट किए जाते हैं। इसी ग्राफ को और नीचे आपको कंटिन्यू करते रहना, मेरे यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है, बीच में लाइन में बना देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहेगा कि भाई मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की बात हो रही है और राइट हैंड साइड पे मेरे पास वीक फोर्सेस की बात हो रही है, ठीक है। देखो अभी हम लोगों ने तीन टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़े थे फर्स्ट क्लास के अंदर, फर्स्ट आयोनिक की बात करें, दूसरा हम लोग बात करें अगर कोवेलेंट की, ठीक है, थर्ड आपके पास है मेटेलिक बॉन्ड। ये तीनों ही बॉन्ड मेरे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के अंदर आते हैं या फिर हम लोग इनको स्ट्रॉन्ग फोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। यहां पर क्या होता है, जो आपका एलिमेंट ए है और बी है, ये एक एटम है बी और ये है मेरे पास एटम ए, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो मेरे पास आयनिक बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए मैंने आपको बताया था बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बनता है, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दूसरे की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी मेरे पास ज्यादा होगी। मेटेलिक बॉन्ड मेरे पास मेटल और मेटल्स के बीच में बनता है, मेटल्स मेरे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही एटम की कैसे होने वाली है, बहुत कम होने वाली है। एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि दो एटम थे ए एंड बी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपको गिवन है जो कि बहुत ही कम हो, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि भाई उनकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है तो वो मेरे पास मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। बात यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज वीक फोर्सेस, वीक फोर्सेस की कैटेगरी बहुत जरूरी है, वीक फोर्सेस को फर्दर और क्लासिफाई किया गया था। मुझे पता है कि अगर आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 42 किलो जूल से कम है तब वो मेरे पास क्या होंगे, वीक फोर्सेस होंगे, कैसे होंगे मेरे पास वीक फोर्सेस होंगे, ठीक है। अब यहां पर एक कैटेगरी बनी जो 0 to 8 है, 0 to 8 किलो जूल्स के अंदर, दूसरी आपके पास है 8 to 42 किलो जूल पर मोल के लिए और एक अदर्स, बाकी और वीक फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं। देखो भाई 0 to 8 वाली होती है मेरे पास वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था एक मॉलिक्यूल गैसीय स्टेट के अंदर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जो बॉन्ड बना रहा होगा, दिस इज द वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स, वो 8 to 42 के अंदर मेरे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा आता है हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, उसकी वैल्यू हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्दो आपके पास वीक बॉन्ड्स ही है
क्योंकि इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम लोग बात करें, वो मेरे पास 42 किलो जूल से कम उसकी वैल्यू होती इसी वजह से, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर देखी। अदर आपके पास जो आती है यहाँ पे, तो कुछ फोर्सेस है जो आपको नाम से ध्यान रखनी है, वो है मेरे पास, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ अदर्स के लिए। एक होती है किज्म फोर्सेस, ठीक है। किज्म मीन्स बिटवीन पोलर एंड पोलर, एक मॉलिक्यूल पोलर हो दूसरा मॉलिक्यूल भी कैसा हो पोलर हो, ठीक है, तो मेरे पास किज्म फोर्सेस होती है। एक होते हैं डिबे, डिबे फोर्सेस होती है जब आपके पास एक मॉलिक्यूल पोलर हो और दूसरा मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर हो। थर्ड आपके पास होता है लंडन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस आपके पास होती है बिटवीन नॉन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये जो तीनों ही फोर्सेस है मेरे पास जो मैंने यहाँ पर ऑरेंज में लिखे हैं, इनकी रिलीज एनर्जी मेरे पास 0 to 8 के बीच में आती है। तो अगर आप चाहो तो इन तीनों को ऑरेंज वाले को इनके नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हो, क्योंकि इनकी रिलीज एनर्जी इतनी ही होती है। अदर की कैटेगरी में नेक्स्ट पार्ट में जो आते होते हैं, एक होता है आपके पास आयन डायपोल, अभी मैं बताऊंगा इन सब का मतलब क्या है, ठीक है। एक होती है आयन डायपोल और एक होता है आपके पास आयन इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, यही आज की क्लास का मेन पार्ट है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आज की चीज बहुत जरूरी है आपके पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ नए वर्ड आए हैं, जैसे डाइपोल क्या होता है ये नहीं पता हम लोगों को, ठीक है ना, पोलर नॉन पोलर इन सब वक्त के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं डाइपोल के बारे में, ठीक है, वीक फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, इनके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे पहला वर्ड जो अपने पास जरूरी है, दैट इज डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, ठीक है, देखो भाई डाइपोल की सीधी सी मैं अगर आपको बात बताऊं, अगर एक चार्ज है समझ लो प्लस क्यू चार्ज है, इतने ही अमाउंट का कोई नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू इसके पास में रखा हो एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, समझ लो दोनों के बीच की दूरी कितनी है मेरे पास डी है, तो ये एक डायपोल का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज क्यू इनटू डी, ठीक है। ये मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये शो कर रही होती है कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन को, इस चीज के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन को। एग्जांपल लू मैं अगर, तो ये समझ लो हाइड्रोजन है, इसका बॉन्ड बना हुआ है किसके साथ, क्लोरीन के साथ इसका बॉन्ड बना हुआ है। मुझे पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन अपने पास अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, इसी वजह से हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे क्या आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि वैसे तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट करने की क्षमता ज्यादा रखता है, तो ज्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरे पास क्लोरीन के पास रहेगा, इसलिए इसे पार्शियली नेगेटिव होता है और इसमें कैसा होता है पार्शियली पॉजिटिव। देखो भाई दोनों पे सेम चार्ज है बट एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को देखें तो वो हाइड्रोजन से कहाँ जा रहे हैं मेरे पास, क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, इसका मूवमेंट हो रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव से मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ मेरे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। तो ये डायपोल आपका वही है जो एक वेक्टर क्वांटिटी और आपको रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी विद इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डायपोल बोलते हैं। तो आप इसके बारे में लिखिए इक्वल एंड
एक बात जो 12th में उनके लिए बोल दूं मैं ना, यहाँ पर तो क्या है अपनी डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, बट जब हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं दैट डायपोल इज डिफरेंट, वो चार्ज डायपोल है, उसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट होती है, ऑल दो फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है। तो फिजिक्स वाले से इसको कंपेयर मत करना। केमिस्ट्री के अंदर डायपोल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल एंड इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी is called dipole, और इस डायपोल को आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो, म्यू मेरे पास बराबर होता है चार्ज की वैल्यू इंटू उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो, ठीक है। बात करें तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, और इसका मैग्नीट्यूड भी है जो हम लोग चार्ज इनटू डी से कैलकुलेट करेंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इन केमिस्ट्री, ये फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हम लोग, या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इन केमिस्ट्री इट रिप्रेजेंट्स direction of shifting of electron from less electronegative to more electronegative, ठीक है ना, less electronegative से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ वो मेरे पास क्या करता है, मूव कर रहा होता है। ये हम लोगों ने यहां पर देख लिया, ठीक है। अब देखो मैं डाई एटॉमिक स्पीसीज के बारे में बात करता हूं, डाई एटॉमिक मतलब दो एटम से मिलकर बना हुआ स्पीसीज, तो अगर मैं डाई एटॉमिक स्पीसीज की बात करूं, ठीक है, तो दो चीजें पॉसिबल है, या तो सेम मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हो, मतलब ए से ए ही कंबाइन हो रहा हो, जैसे क्लोरीन से क्लोरीन कंबाइन होती है Cl2 बनता है, ब्रोमीन से Br2 बनता है, ठीक है, या फिर डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहा हो, ए से बी कंबाइन हो, ठीक है। तो मुझे क्या पता है कि भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो जीरो होने वाला है, क्योंकि दोनों की वैल्यू ही क्या होगी मेरे पास सेम होगी, इसी वजह से चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दोनों में शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो डायपोल मोमेंट होता है म्यू, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि चार्ज सेपरेटेड नहीं होते, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं नॉन पोलर, ठीक है ना। खुद ही सोचो क्लोरीन ने बॉन्ड बना रखा है क्लोरीन से, तो इसका इलेक्ट्रॉन या इसका इलेक्ट्रॉन दोनों की मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जितनी टेंडेंसी इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचने की है उतनी ही टेंडेंसी इसको इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाता, इसीलिए मेरे पास ये कैसे होते हैं नॉन पोलर होते हैं। बात करें ए और बी मॉलिक्यूल्स की, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस करोगे तो जीरो के बराबर नहीं आएगी, इसीलिए इसका म्यू भी नॉट इक्वल टू जीरो आने वाला है, और इसलिए मॉलिक्यूल कैसे होते हैं मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है।
ये किसकी बात की थी हम लोगों ने, डाई एटॉमिक स्पीसीज, मतलब जब सिर्फ दो एटम ही कंबाइन कर रहे हो। लो एक बार लिख लो यहां से, एक जगह तो आपका क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है सागर, और दूसरी जगह आपका Cl2 Cl2 का है, ठीक है, क्योंकि जब इंटर एटॉमिक होगा, एटॉमिक मतलब दो एटम्स आ रहे होंगे, ठीक है ना, और जब आपके पास इंटर मॉलिकुलर या फिर इंट्रा मॉलिकुलर की बात होगी तो मेरे पास वहां पर मॉलिक्यूल्स आएंगे। यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है ना, इंटर एटॉमिक की बात हुई थी तो इसलिए दो एटम्स थे, या इंट्रा मॉलिक्यूलर था तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, अगर इसका एग्जांपल देखिए, इसका आपने अभी अभी देखा, अगर मैं HCl की बात करूं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरे पास ज्यादा कहाँ होगा, क्लोरीन के पास होगा, तो पार्शियली नेगेटिव होगा, ये मेरे पास पार्शियली पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को छीन लिया क्लोरीन ने, ठीक है। ज्यादा टाइम तो है दोनों के बीच में ही, बट वो ज्यादा टाइम तक किसके पास है, क्लोरीन के पास, इसी वजह से ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, ये मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। ये तो किसकी बात थी, डाई एटोमिक स्पीसीज की, बट अब सारे एटॉमिक डाई स्पीसीज तो नहीं होते, जैसे मैं बात करूं AlCl3Al की, यहाँ मेरे चार एटम्स हैं, ठीक है ना, NH3 की यहाँ पर भी चार एटम्स है, PCl5 की यहाँ पर मेरे छह एटम्स हैं, तो इनके केस के अंदर हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है। तो अब लिखिए इनके लिए, व्हेन वेक्टर सम ऑफ ऑल डाइपोल प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज equal to zero, molecule will be non-polar, molecule will be non-polar, ठीक है। तो आपने 11th क्लास में अभी पढ़ा होगा अपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि भाई मेरे को वेक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं आपसे, AlCl3 लेता हूं, कह देता हूं आपके पास AlCl3 लेता हूं, तो AlCl3 का जो मेरा स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, एल्यूमिनियम से मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है क्लोरीन, यहाँ पर आपके पास एक क्लोरीन प्रेजेंट होती है और एक यहाँ पर आपके पास एक और क्लोरीन प्रेजेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर मेरे पास 13 है, कॉन्फिगरेशन क्योंकि 2.8.3, तो इसके आउटर मोस्ट में तीन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1, 2 और 3। बात करें क्लोरीन की, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फिगरेशन जाएगी 2.8.10 हो गए 7, तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये यहाँ पर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक यहाँ पर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक यहाँ पर मेरे पास 7, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई मेरे को जब मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है, एल्यूमिनियम यहाँ प्रेजेंट होता है और मेरे पास क्लोरीन यहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम से ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन की टेंडेंसी होगी कि वो अट्रैक्ट कर ले, इसलिए यहाँ पार्शियली नेगेटिव होगा, यहाँ पर पार्शियली मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एक डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा होगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एक वेक्टर बन गया आपके पास इस तरह से, ऐसे सेम एक यहाँ पर बन रहा होगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन की तरफ, और एक ऐसे ही मेरे पास इस डायरेक्शन में बन रहा होगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम जो मेरा सेंटर है उससे तीन वेक्टर निकल रहे हैं, एक ऊपर की तरफ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जो कि तीनों मेरी सेम वैल्यू के हैं, क्यों, क्योंकि क्लोरीन है यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, ठीक है, और एल्यूमिनियम मेरा सेंटर है, तो ये एटम और इस एटम के बीच में, इस एटम
ये एटम और ये एटम सारे सेम हैं, इसी वजह से इन तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। और ये प्रेजेंट होते हैं 120 डिग्री पर, कितने पर, 120 डिग्री पर। तो जब आपके पास तीन वेक्टर 120 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं तो उसका जब नेट वेक्टर निकालोगे आप जीरो आता है। कैसे, मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये समझ लो ए इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड भी ए है, इसके मैग्नीट्यूड भी ए है। पहले मैं इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालता हूँ। आपको पता है वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है? रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है मेरे पास वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ए की स्ट्रेंथ, कितना ए है, ए स्क्वायर प्लस दूसरे की स्ट्रेंथ का स्क्वायर, ये भी ए है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर a ये है और ये भी a है यहाँ पर, cos थीटा, cos दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री है, तो cos 120 डिग्री रखो मैंने, तो ये बराबर हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 2a स्क्वायर, और cos 120 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, cos 90 प्लस 30, तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 30 इज माइनस हाफ, तो 2 से यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट में यहाँ पर आ गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो बच गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर दैट इज a। तो मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एकदम बीचों बीच आता है और उसका मैग्नीट्यूड a होता है। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए, एक ऊपर की तरफ ए मैग्नीट्यूड का है और दूसरा नीचे की तरफ ए मैग्नीट्यूड का, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं। इसलिए जब इस मॉलिक्यूल का नेट रिजल्टेंट निकाला जाता है तो वो बराबर होता है मेरे पास किसके, जीरो के। इसलिए मॉलिक्यूल कैसा होता है मेरे पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। इसके बारे में अभी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको आगे जाएंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो ये बॉन्ड एंगल कहाँ से हमें पता चलेगा कि 120 डिग्री का है, कितना कितना बॉन्ड एंगल होगा, ये सब चीजें हम लोग वहां पर आसानी से कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ये मेरे पास किसकी कहानी थी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, क्योंकि यहाँ पर नेट रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग। ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन सेपरेशन हो रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन सेपरेशन हो रहा है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन सेपरेशन हो रहा है, बट आप जब ओवरऑल मॉलिक्यूल का डायपोल निकालोगे वो मेरा किसके बराबर आ जाता है, जीरो के बराबर आ जाता है। इसलिए मेरे पास कैसे होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। बात करते हैं दूसरे के बारे में, व्हेन वेक्टर सम ऑफ ऑल डायपोल प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल is not equal to zero, molecule will be polar, molecule will be polar। example लेंगे उससे बाद में मस्त समझ में आएगी। water ले लेते हैं, oxygen, hydrogen, हाइड्रोजन या इसके लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मुझे पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो वेक्टर आपका कुछ इस तरह से बनने वाला होगा। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी मेरे इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, तो दो वैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं ऐसे ऑक्सीजन को पॉइंट बनाऊँ, एक वैक्टर यहाँ पर है और दूसरा वेक्टर मेरे पास यहाँ पर, आप ऐसा सोचो कि दोनों तरफ मेरे पास यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, यहाँ पर रिजल्टेंट आएगा, तो इसका जो म्यू नेट है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो, एक नेट यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ रही है, वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है, इसी वजह से ये मेरे पास क्या कहलाता है, एक पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है, एक पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है इसी वजह से। ठीक है, ये आपने यहां तक बात कर ली। यहाँ पर अभी आपने डायपोल के बारे में देखा, दो एटम्स हैं उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तब तो वो पोलर होगा, अगर नेट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है या फिर नेट डायपोल नहीं है तो वो मेरे पास कैसे होंगे,
नॉन पोलर होंगे यहाँ पर। मैं अब आपको कुछ केस ऐसे बताने वाला हूँ जहां पर इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट होता है। इंस्टेंटेनियस डायपोल का मतलब सिर्फ एक पल के लिए वहां पर मेरे पास बॉन्ड बनता है, मतलब बॉन्ड तो बना हुआ होता है बट वहां पर वो एक पल के लिए मेरा पोलर होता है, एक पल के लिए नॉन पोलर होता है। इस तरह से कुछ उनकी कहानी होती है। ठीक है, उनकी कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। आप हेडिंग डालो इंस्टेंटेनियस डायपोल। इंस्टेंटेनियस, आपको इंस्टेंटेनियस का मतलब पता ही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट एक इंस्टेंट के ऊपर ऐसा होगा। जैसे मैं आपसे बात करूं, कोई एक मैंने नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लिया, क्या लिया, अभी आप कुछ मत लिखना, सामने देखते रहना, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मेरे पास कैसा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जिसका मैं एग्जांपल लेता हूं, आपके पास हाइड्रोजन का ले लेता हूं, ठीक है ना, कोई भी एग्जांपल लेना था मैंने हाइड्रोजन का ले। हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन का इसका इलेक्ट्रॉन था, इस वाले हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने बॉन्ड बनाया, तो इसका मतलब बोले भाई कि तेरा भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, मेरा भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास भी प्रेजेंट है, मेरे पास भी मेरा ऑक्टेट भी कंप्लीट करेगा और तेरा भी ड्यूप्लेट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, तो दोनों के बीच में हम लोगों ने शेयर कर लिया। अभी इलेक्ट्रॉन फिक्स तो रहते नहीं है, ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, क्या करते हैं मेरे पास, मूव करते रहते हैं। किस तरीके से, देखो अगर मैं बात करूं, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये मेरा दूसरा हाइड्रोजन है, पहले मैं तीनों केस बना देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। तो होगा क्या, एक पल के लिए ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे इस हाइड्रोजन के पास होते हैं, ठीक है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना दिए इस हाइड्रोजन के पास होते हैं, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, फिर यहां से चलना शुरू करते हैं, एकदम बीचों बीच पहुंच जाते हैं और फिर वो मेरे पास इस वाले हाइड्रोजन के पास पहुंच, फिर यहां से बीच में आते हैं, फिर ये यहां से यहां पे, इस तरीके से इन दोनों के बीच में वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, इसलिए दोनों ही हाइड्रोजन मेरे कैसे रहते हैं, सेटिस्फाइड है। एक बार एक हाइड्रोजन के पास गए, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट कर दिया, फिर वो दूसरे हाइड्रोजन के पास जाते हैं, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट कर देते हैं, इस तरीके से ये मेरे दोनों के बीच में घूमते रहते हैं। तो देखो भाई, इस टाइम पर अगर मैं देखूं दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे इस हाइड्रोजन के पास हैं, ठीक है, तो ये पार्शली क्या हो जाता है, नेगेटिव, और ये पार्शली पॉजिटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए। बट जब वो बीच में होते हैं तो दोनों के पास अवेलेबल है, तो चार्ज सेपरेशन नहीं होता। फिर जब ये इस हाइड्रोजन के पास पहुंच जाते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ये पार्शली नेगेटिव हो जाता है और ये पार्शली पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं लिखूं ऑन टाइम या फिर ऑन दैट इंस्टेंट, यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो रहा है इसलिए इसका म्यू, बट ये सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए होता है, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस बोला जाता है, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक इंस्टेंट के लिए यहाँ पर मेरे पास म्यू, इनका जो डायपोल मोमेंट था वो जीरो के बराबर है। जब बीच में है तो मैं बोलूंगा ऑन एन एवरेज जो आएगा मेरे पास वो तो जीरो आने वाला है, क्योंकि एक बार यहाँ गया बीच में, इधर गया बीच में, वापस यहाँ आ रहा है, तो दोनों बीच घूम रहे, ओवरऑल वो कैसे रहेगा, बीच में, और जब वो रहेगा तो म्यू एवरेज मेरा जीरो है। फिर ऑन दैट टाइम जब वो इस हाइड्रोजन के पास है तब वापस इसका म्यू इंस्टेंटेनियस, ऑन दैट इंस्टेंट इसका डायपोल मोमेंट विल बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। तो पोलर मॉलिक्यूल जो है मेरे पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है, वहां पर मेरा इंस्टेंटेनियस डायपोल एग्जिस्ट करता है, कि एक पल के लिए जिस इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, बट ऑन एन एवरेज वो मेरे पास जीरो ही होता है, ठीक है। बट कुछ इंस्टेंट के ऊपर ही मेरे कैसे काम करते हैं, एज अ डायपोल, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस डायपोल के नाम से नवाजा जाता है। अब लिखिए, ड्यू टू मोमेंटरी imbalance of electron vibration
of electron at particular instant. फ्रेंड लिख सकते हैं सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम अनसिमेट्रिकल. ठीक है ना, यहां पर देखो सिमेट्रिकल था, एकदम बीच में था, बट एट ए टाइम कैसा हो गया, जब वो इसके पास आया तो अनसिमेट्रिकल हो गया, इसके पास गया तो अनसिमेट्रिकल वो हो गया. So at that instant, molecule represent a dipole which is called instantaneous dipole. तो ये बात अपनी बुद्धि में रखना कि भाई आपके पास ऑन एन एवरेज जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो आता है वो वैसे तो मेरे पास नॉन पोलर है, बट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उनके अंदर मेरे पास क्या होता है, आपका डायपोल एग्जिस्ट करता है. ठीक है, क्या करता है, वहां पर डायपोल एग्जिस्ट करता है एंड दैट डायपोल इज इंस्टेंटेनियस. ऑन एन एवरेज तो जीरो है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे वहां पर क्या करता है, मेरे पास डायपोल एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ये तो कहानी थी किसकी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच की. अगर मैं आपके बात करूं पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए कि वहां पर क्या होता होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूं, जैसे कि मेरा HCl है, तो उसके अंदर देखो एक डायपोल मोमेंट तो मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि भाई हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मेरे क्लोरीन की तरफ जाएंगे ही जाएंगे. एक तो ये डायपोल है जो कि इनका एवरेज डायपोल मोमेंट है, वो तो रहना ही रहना है. ठीक है, बट जब वो इलेक्ट्रॉन जो कि मेरे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में शेयर हुए, जब वो हाइड्रोजन के पास प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पर मेरा एक इंस्टेंटेनियस डायपोल भी एग्जिस्ट कर रहा होगा. ये इसका एवरेज जो डायपोल है वो तो है ही है, बट जब वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास आएंगे उस टाइम पे भी एक डायपोल एग्जिस्ट कर रहा होगा. जब वो इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्लोरीन के पास आएंगे तो वहां पर भी एक इंस्टेंटेनियस डायपोल मेरा एग्जिस्ट करेगा ही. तो यहाँ पर ऑन दैट टाइम म्यू एवरेज के साथ साथ एक आपका म्यू इंस्टेंटेनियस भी प्रेजेंट होता है. जब इलेक्ट्रॉन एकदम बीचों बीच रहेंगे तो यहाँ पर सिर्फ म्यू एवरेज रहेगा जो कि नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ये भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, और यहाँ पर भी मेरे पास म्यू एवरेज के साथ साथ एक मेरा म्यू इंस्टेंटेनियस भी प्रेजेंट होगा जो कि नॉट इक्वल्स टू मेरे पास जीरो होगा. ठीक है, तो जो आपकी पोलर स्पीसीज है वो एवरेज भी शो करेंगी और साथ में आपका इंस्टेंटेनियस डायपोल को भी क्या करती है, वो शो करती हैं. ठीक है, तो आप लिख सकते हो पोलर स्पीसीज रिप्रेजेंट डायपोल एज वेल एज इंस्टेंटेनियस डायपोल वाइल. ठीक ना, ये तो मेरे डायपोल भी शो करते हैं और इंस्टेंटेनियस डायपोल भी शो करते हैं वाइल नॉन पोलर, जो अभी हमने पहले पढ़ा था इससे, नॉन पोलर स्पीसीज रिप्रेजेंट ओनली इंस्टेंटेनियस डायपोल, वो सिर्फ आपका इंस्टेंटेनियस डायपोल को ही रिप्रेजेंट करती हैं. ठीक है,
इसके अगले वाला और जो लास्ट है इसके अंदर उसकी बात करेंगे हम लोग, वो है मेरे पास इंड्यूस डायपोल। इंड्यूस डायपोल क्या होता है वो भी आपको, वो भी समझिए आप, हेडिंग डालिए आप। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना केमिस्ट्री, अलग अलग जगह पे लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब जब तक आपको नहीं पता होगा तो वो समझना मुश्किल हो जाता है, बट एक बार आप समझ गए इसका क्या मतलब है तो वो आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी, आप फटाफट इनका आंसर निकाल पाओगे। देखो अब इंड्यूस डायपोल की बात करूं तो क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक आपके पास समझ लो कोई नोबल गैस है, आपके पास कोई भी नोबल गैस है, एग्जांपल के लिए आप मान लो ज़ेनॉन ले लिया मैंने। अब ये पूरे न्यूट्रल है, ठीक है, कैसी है, ये न्यूट्रल है, जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन और एकदम सेटिस्फाइड है, इसका ऑक्टेट एकदम कंप्लीट है, इसको इलेक्ट्रॉन ना लेने ना देने क्योंकि ये नोबल गैस। अगर आप इसके बगल में कोई कैटायन या एनायन लेके आ जाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेके आ गया एक कैटायन है यहाँ पर, तो क्या होगा, जैसे इसके पास कैटायन आया होगा तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे आने लग जाएंगे क्योंकि अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। जब वो अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या होंगे, अपोजिटिवली चार्ज मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। तो देखो पहले तो जो मेरा ज़ेनॉन था वो ऐसे प्रेजेंट था, ठीक है ना, बीच में अब उसका वो होगा न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे हर एक डायरेक्शन के अंदर, तो इसका म्यू जो नेट था वो मेरा इक्वल्स टू जीरो था। बट जैसे इसके पास में कैटायन आया तो इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ हो गए, ये न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन, तो जब आप डायरेक्शन देखोगे तो सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन सेट बनेगी, मतलब यहाँ पर एक मेरा नेट म्यू बन गया है यहाँ पर, ठीक है ना, नेट डायपोल बन गया है। कब, जब इसके बगल में मेरा कैटायन आया था, कैटायन के आने की वजह से इसके अंदर डायपोल आया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल। इसका खुद का डायपोल मोमेंट नहीं है, बट जैसे इसके पास कैटायन आया, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया तो वहां पर एक डायपोल जनरेट हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मेरे को पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मेरे पास एक डायपोल क्या करेगा, एग्जिस्ट करने लग जाएगा, ठीक है। इस वजह से अगर एनायन आया हुआ था तो क्या होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते मेरे सारे दूर चले जाते, ठीक है, तो वहां पर भी मेरे एक डायपोल इंड्यूस्ड हो रहा होता, ठीक है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल्स डायटोमिक स्पीसीज के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि वहां पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तब तो वो पोलर होगा, नहीं होगा तो वो नॉन पोलर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस की बात की, इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर विद इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल मेरा एक डायपोल एग्जिस्ट करता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस। फिर हम लोगों ने इंड्यूस्ड डायपोल की बात की, मतलब एक कैटायन या फिर एनायन आएगा और उसके आने की वजह से जो सामने एक न्यूट्रल स्पीसीज थी अब उसका चार्ज आपने क्या कर दिया, वहां पर डिस्टर्ब कर दिया, उसकी वजह से वहां पर डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है। आप इसको वापस लेके चले जाओगे दोबारा से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन डायपोल हो जाएगा फिर वापस, बट इसकी वजह से इसके अंदर क्या हुआ, चार्ज जनरेट हुआ। इसके बारे में लिखिए आप, व्हेन एनी charged species approach any known polar species सिमेट्रिकल। देखो ये कैसा था, मेरे पास चार्ज था और ये मेरा नॉन पोलर था इनिशियली क्योंकि इसका डायपोल कैसा था, जीरो था, ठीक है। अप्रोच एनी नॉन पोलर स्पीसीज सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल
बिकम अनसिमेट्रिकल सच डायपोल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल. सच डायपोल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल. ठीक है, तो यहां पर क्या कर दिया, एक चार्ज के आने की वजह से यहां पर मेरे पास आपका डायपोल एग्जिस्ट हुआ है. ठीक है, ये आपने यहां पर देख लिया. चलो आगे बात करते हैं. अब मैं यहां पर कुछ ऑर्डर की बात करूंगा कि भाई इनकी स्ट्रेंथ की ऑर्डर कैसा होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मेरे पास आयोनिक बॉन्ड. ठीक है ना, तो आयोनिक कब, जब एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होता है तब. दूसरा फिर होता है आपके पास आयन डायपोल. क्या होता है आयन डायपोल? आयन डायपोल का मतलब क्या हो गया, आपके पास एक तो चार्ज होगा या तो कैटायन होगा या फिर एनायन होगा, और दूसरा मॉलिक्यूल कैसा होगा, उसके अंदर डायपोल एग्जिस्ट करता होगा, मतलब उसका म्यू जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा. ठीक है ना, वो आपके पास कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, वहां डायपोल का एग्जिस्टेंस होगा, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे दूसरे नंबर पे आती है. तीसरे नंबर पे आती है आपके पास आयन इंड्यूस्ड डायपोल. आयन इंड्यूस्ड डायपोल, देखो आयन तो बेपास है तो कोई कैटायन होगा, आपके पास एनायन होगा. इंड्यूस्ड डायपोल आपने अभी भी पढ़ा, एक आयन के आने की वजह से मेरे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर इंड्यूस हो जाता है डायपोल. ठीक है, तो उन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे तीसरे नंबर पे आता है. ठीक है, इससे पहले मेरे पास एक चीज और है, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ही. इससे पहले एक और चीज आती है, दैट इज डायपोल. डायपोल फिर ऑर्डर होता है के पास आयन और इंड्यूस्ड डायपोल का, और उसके बाद होता है के पास डायपोल और इंड्यूस्ड का, और लास्ट में होता है के पास इंस्टेंटेनियस डायपोल, और या फिर आप कह सकते हो इंड्यूस्ड डायपोल. ठीक है, ये इसका ऑर्डर है. तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपको इसी ऑर्डर में ध्यान भी रखना है, याद भी रखना है. ठीक है, ये इनकी स्ट्रेंथ है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं यहां पर ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वीक फोर्सेस. मुझे पता है आयनिक मेरे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बट बाकी मेरे सारे कैसे हैं, वीक फोर्सेस हैं. देखो मैं आपको बताता हूँ इस टेबल को याद करने का सबसे सही तरीका क्या है. सबसे पहले आयन्स, आयनिक मतलब आपके पास दो कैटायन होगा, दूसरा एनायन होगा, परफेक्ट चार्ज है दोनों के दोनों. ठीक है ना, ये पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज है, पूरा एक चार्ज होता है, तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग है. दूसरी आपके आयन डायपोल है, एक तो कैटायन होगा दूसरा एनायन होगा, और आपके सामने क्या प्रेजेंट होगा, डायपोल, मतलब जैसे HCl मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. तो वहां पर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव आ रहे होते हैं. तो एक तो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरा आपके पास क्या होगा,
पार्शली पॉजिटिव या फिर पार्शली नेगेटिव, ठीक है। आप ऐसे सोच सकते हो कि मेरे को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, के और आर तो मेरा सेम है तो क्यू वन और क्यू टू पे के है। यहाँ पर मेरा चार्ज की वैल्यू ज्यादा थी तो ज्यादा है, यहाँ पर मेरे एक तो चार्ज है बट दूसरा मेरे पास कैसा है डायपोल है, यहाँ पर पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव आ रहा होगा तो क्यू टू की वैल्यू कम हो गई होगी इसी वजह से पीछे आ गया। फिर दूसरा डायपोल, डायपोल यहाँ पर क्या है आपके पास एक भी चार्ज नहीं है परफेक्ट, आपके पास एक पहले वाला भी डायपोल है दूसरे वाला भी क्या होगा डायपोल होगा, तो यहाँ पर पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो दोनों ही पार्शली है। यहाँ पर आयन और इंड्यूस डायपोल, एक तो आयन प्रेजेंट है बट दूसरा कैसा था न्यूट्रल था, वो तो इसके आने की वजह से यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हुआ और आपने इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे पास एग्जिस्ट करने लगे। नेक्स्ट आपके पास डायपोल और इंड्यूस, डायपोल आपको पता है HCl अगर आप लेके आते हो और यहाँ पर आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है एकदम, HCl के ऊपर Cl के ऊपर पार्शियली नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव होगा, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज से यहाँ पर इंड्यूस होने वाले हैं तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव इस तरह से हो पाएगा, तो इसी वजह से वो और पीछे आ गया। और लास्ट में तो आपका इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस्ड, एक पल के लिए जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट होगा कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो इसके पास एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा एक पल के लिए, और एक पल के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी गायब हो जाएंगे, तो ये मेरे पास सबसे वीक फोर्स होता है, सबसे वीक फोर्स ये मेरे पास प्रेजेंट होता है। तो देखो भाई ये हमने यहाँ पर ऑर्डर लिख लिया, तो आप यहाँ पर जब देखोगे अपने पास जब हम लोगों ने वीक फोर्सेस की बात की थी तो यहाँ लिखा किज्म फोर्सेस बिटवीन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल, या फिर मैं कह सकता हूँ बिटवीन डायपोल एंड डायपोल, फिर डिबाई फोर्सेस पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में, और लंडन फोर्सेस आर बिटवीन नॉन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे मेरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में, आयन डायपोल आयन इंड्यूस डायपोल, ये सारी चीजें आप यहाँ से समझ गए हो, ठीक है ना। जहां डायपोल एग्जिस्ट कर रहा है मेरे पास तो मैं वहां कह सकता हूँ वो मेरा कैसा है पोलर है, ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ से क्या गई है समझ में आ गई है। अब एक क्वेश्चन जो आपको कल करके लेके आना है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, इसको बड़े ध्यान से करना, ठीक है, ये अपने प्रीवियस ईयर IIT JEE के अंदर आया था, आपको क्वेश्चन दिया जाए आप ध्यान से बैठ के पहले सोचना कि इसके अंदर ये मॉलिक्यूल है पोलर होगा नॉन पोलर होगा कैसा होगा, पहली चीज बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, दूसरा बिटवीन HI एंड HI, तीसरा ऑप्शन बिटवीन H2O एंड H2O, एंड फोर्थ इज बिटवीन ऑक्सीजन एंड H2O, ठीक है, P Q R एंड S, इससे मैच द फॉलोइंग करना है, दिस इज Debye, इसमें से कौन सा Debye होगा, कौन सा लंडन फोर्सेस इसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इसमें किज्म फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और किसमें मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। अभी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का इतना वो नहीं पता है इसलिए एक ऑप्शन तो मैं आपको बता देता हूँ, अगली क्लास में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाएंगे, सी के साथ तो एस मैच कर जाएगा, बाकी तीनों में आप बैठ के सोचना आराम से, ठीक है, कि किसके अंदर कौन सा फोर्स मेरे पास प्रेजेंट होगा। बस आज के लिए इतना ही, कल आगे वाली क्लास के लिए पढ़ेंगे।